शांति। आज की तारीख है 30/3/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा। जो हम बच्चों को भी मीठी मीठी मुरली सुनाकर मीठा बनाते हैं और इतनी सरल भाषा में बाबा हमको यह ईश्वरीय ज्ञान की हर बात समझाते हैं, तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे संग दोष संशय बुद्धि बनाता, इसीलिए संग दोष में फंसकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोड़े, यानी कुसंग डुबो देता है। प्रश्न है, बाप की कौन सी श्रीमत तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देती है? उत्तर है, बाप की श्रीमत है कि बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहो। जैसे कमल फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं करता, ऐसे विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच न करे। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, निर्विकारी दुनिया में चलना है, इसलिए पवित्र बनो। इस ही एक श्रीमत से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। गीत बजा है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी न आए, इसके लिए संग दोष से अपनी संभाल करनी है, श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। नंबर दो, इस अंतिम जन्म में श्रीमत पर संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है, विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच न करे, ये संभाल करनी है। वरदान सतगुरु बाबा का, अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने हर कर्म द्वारा साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूति कराएगी। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन में साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प कर नहीं सकते, वे धन को भी साधारण रीति से कार्य में लगा नहीं सकते। स्लोगन है, दिल से सदा यही गीत गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, तो चेहरा खुशनुमा होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।
ओम शांति।